बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर इजाज़ है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का डे फोर एंड हुआ है। और क्या डे फोर एंड हुआ है, पाकिस्तान ने जो है डे फोर का आगाज़ किया अपनी बैटिंग से। मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ जो है हसन अली थे। मोहम्मद रिजवान जो है उस टाइम पर बैटिंग करने पिच पर आए थे जब पाकिस्तान का स्कोर जो है 129 पे 6 आउट हो गए थे। और लग ऐसा ही रहा था कि हसन अली, फ़हीम अशरफ, नुमान अली के साथ उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही 90+ रन की, जो कि बहुत फ़ायदेमंद थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और लग ऐसा ही रहा था कि फाइनल सेशन डे फोर में जो है ना कंपटीशन नज़र आएगा नहीं, और हो सकता है कि 2 या 3 विकेट साउथ अफ्रीका की डे फोर के एंड में पाकिस्तान ले जाएगा। डे फोर के फाइनल सेशन में अराउंड 30-31 ओवर हुए, उस पर 90 रन स्कोर किए साउथ अफ्रीकन टीम ने और एक भी विकेट नहीं निकाली। सिर्फ एक विकेट जो है वो डे फोर के अंदर निकली थी, वो भी टी टाइम से पहले, वो थी डीन एलगर की, जो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे। शाहिन शाह अफरीदी ने उनकी विकेट ली थी। और उसके बाद हमें नज़र आई 94 रन की एक नाकाबले शिकस्त पार्टनरशिप एडन मार्कम और रसीव एंडरसन के साथ। तो इन दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी है और इन लोगों ने एक स्लाइट सा चांस दे दिया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को वापस आने के लिए इस मैच में और इस टारगेट को चेस करने के लिए। तो देखना यही होगा कि पाकिस्तान के टीम के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स जो हैं वो डे फाइव पे क्या करें, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स को जो है वो कुछ करना होगा अगर इन लोगों को डे फाइव में ये मैच जीतना है। तो अब लास्ट डे में जो है वो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका के 2 बैट्समैन सेट हैं और उनको मज़ीद 243 रन का टारगेट चाहिए अगर उनको ये मैच जो है वो ड्रॉ करना है और सीरीज़ को लेवल करना है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो पाकिस्तानी बॉलर्स को चाहिए कि जो है वो ग्रेट लाइन एंड लेंथ पर रहें, और यहाँ पर जो है हमारे जो 2 स्पिनर्स हैं यासिर शाह और नुमान अली, उन दोनों को अच्छी परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर पेश करनी होगी जिस तरह उन लोगों ने पहले टेस्ट में पेश करी। और उम्मीद यही है कि जो है पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो इस डे फाइव में जो है साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को जो है वो ऑल आउट कर देंगे। और इसी तरह से जो है इस सेकेंड टेस्ट मैच में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना दूसरा टेस्ट मैच जीत कर ना सिर्फ ये मैच जीतेगी बल्कि सीरीज़ को भी वाइट वॉश करेगी 2-0, क्योंकि ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। तो अब डे फाइव में देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे कोप करती है, साउथ अफ्रीकन टीम किस तरह जो है टैकल करती है पाकिस्तान के बॉलर्स को। ये सब हम डे फाइव में देखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद ही है कि पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट मैच जो है ओवरकम कर लेगा और जीत जो है वो हमें हासिल होगी इस सेकेंड टेस्ट मैच में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर करें। एंड आपसे मिलते हैं डे फाइव के एंड में, देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। दिस इज़ मी यासिर इजाज़ साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।